वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकला है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 14 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 3 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए। उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 14 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जो 96, 108, 144 में से प्रत्येक से पूरी तरह विभाजित है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या निकालना, जब भी छोटा बात कहे तो हमको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम किसका निकालेंगे, 96, 108 और कितना 144 का एलसीएम निकालना। इसको कितना से लगा देते हैं, सबसे पहले 4 से लगाइएगा, ये कितना आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा 27 और ये आ जाएगा आपको कितना 36। अब क्या कीजिए, अब फिर 4 से लगा देते हैं, 4 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 6, 27 और ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब लगाएंगे कितना से, देखिए अब हम लोग 3 से लगा देते हैं, 3 से लगाइएगा तो 3 × 6, 3 × 27, 3 × 9, 2 × 9, 3। अब कितना से लगा देते हैं, फिर 3 से लगा देंगे, 3 से लगाएगा तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कितना 3 × 9, ये आ जाएगा 1। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 4 × 4 × 3 × 3 × 2 × 3, यानी इन सभी को मल्टीप्लाई की जाए तो ये कितना 4 × 16, 16 × 32, 32 मल्टीप्लाई कितना 3 × 9, 9 × 27, 32 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7 × 14, यानी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यानी इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 864, यानी वह सबसे छोटी एलसीएम छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा 864, यानी करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीन कार को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात दिया गया 12:15:10। तीनों कार को चाल का अनुपात देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, तीन कार समान दूरी, जब डिस्टेंस सेम हो, जब डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होना चाहिए सेम हो, डिस्टेंस सेम होने पे क्या होता है स्पीड का रेशियो, सेम होने पे स्पीड का रेशियो क्या होता है टाइम के रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्या होता है, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पे टाइम का रेशियो हमको, टाइम का रेशियो कितना दिया गया है 12:15:10। हमसे पूछ क्या रहा है, तो तीनों कार का चाल यानी स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/12, रेशियो करेंगे 1/15, फिर कितना आ जाएगा 1/10। आप क्या कीजिए, इन सभी को क्या कीजिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में, ये 0 से 0 कैंसिल 6 आ जाएगा, 15 × 60 4 आ जाएगा, ठीक, अब 12 × 25 60 यानी 5 आ जाएगा, यानी 5:4:6 इसका क्या आ जाएगा, तीनों चक्कर का स्पीड आ जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक विक्रेता ने एक मेज को क्रैमूल से 35% लाभ जोड़ने के बाद उसका विक्रैमूल 5,670 रुपया अंकित किया, क्योंकि इस मूल स्तर पर बिक्री बहुत कम थी इसलिए उसने मेज को 12% लाभ पर बेचने का फैसला किया, तो नया विक्रैमूल क्या कीजिए। देखिए उस व्यक्ति ने क्या किया था, क्रैमूल से 35% अधिक पे उस सामान को बेचने का निर्णय लिया, यानी क्रैमूल अगर 100 यूनिट है 100% है तो उसने क्या किया 135% पे बेचने का निर्णय लिया, यानी 135% का वैल्यू कितना हो गया 5,670, यानी यहां से अब क्या करा, बिक्री न होने के कारण उसने उस मेज को 12% लाभ पे बेचना है, अब नया उसने सेलिंग कितना पे करना चाह रहा था 112% पे, यानी 135% का वैल्यू इतना आता है, 1% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा कितना 5,670 डिवाइड बाय कितना 135। अब यहाँ से हमको कितना निकालना है 12% प्रॉफिट पे बेचना है, यानी 112% अगर इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा आपको कितना मरते
42 मरते, कितना 42 मरते, यानी 1% का वैल्यू आ गया 42, हमसे 112% प्रॉफिट पे बेचना है, तो 112% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 112 मल्टीप्लाई कितना 42, 112 को 42 से मल्टीप्लाई कीजिए, आप इस बात को 42 को लिख सकते हैं आसानी से, 112 मल्टीप्लाई 40 प्लस 2 लिख सकते हैं आसानी से, 40 से मल्टीप्लाई किया जाता है 0, 4 दूना 8, 4 4 यानी 44, 80 प्लस इसका 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 224, यानी इन सभी का सम कितना हो जाएगा 4, 8 2 10 के सुनना हासिल है, 4 2 6 1 7 यानी 4704, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिए, पीटर ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज देने वाले एक योजना में एक निश्चित राशि का निवेश किया, ठीक है, जबकि रेचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 10% वार्षिक ब्याज दर वाले एक योजना में आधी राशि का निवेश किया, यानी एक योजना में पीटर से, पीटर जितना पैसा लगाता उससे आधी राशि कौन लगाता है, रेचल, ठीक है। पीटर ने 2 वर्ष के लिए निवेश किया था तथा रेचल ने 3 वर्ष के लिए निवेश किया, यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याज में 897 रुपए का अंतर थे तो रेचल ने कितना राशि का निवेश किया, देखिए इस वर्ड से, देखिए यहाँ पे क्या करा है, पीटर से आधी राशि कौन लगाता है, रेचल, एक तरफ मान लीजिए पीटर है, एक तरफ पीटर है तो एक तरफ रेचल है, पीटर से आधी राशि कौन लगा रहा है, रेचल, मान लीजिए पीटर 200 यूनिट पैसा लगा रहा है तो रेचल कितना लगाएगा, 100 यूनिट, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है, ये हो गया उसका प्रिंसिपल, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, ठीक है, इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, और पीटर ने 2 वर्ष के लिए, पीटर कितना वर्ष के लिए है? ये टाइम लगाता है 2 वर्ष के लिए, और रेचल कितना लगाता है, रेचल लगा रही है, या इसका टाइम कितना है, 3 ईयर, और देखिए पीटर किस पे लगाता है, सिंपल इंटरेस्ट पे, यानी इसका एसआई निकाल दे रहा है, और देखिए रेचल किस पे लगाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, रेचल वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, इसका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम रेशियो से, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, देखिए 2 वर्ष का 10% के ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20%, यहाँ से 20% सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से 20% निकालिएगा तो उसका प्रिंसिपल, उसके द्वारा अर्जित ब्याज, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 200 रुपया का, 200 रुपया प्रिंसिपल है, 20%, यानी ऐसे भी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100 कर देते, यानी हम दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करके 100 कर दिए, डिवाइड कर दिए, यानी ये कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपया, यानी रिच प्रिंसिपल इसको ने, पीटर को कितना रुपया प्राप्त हो रहा है, 40 रुपया, 200 रुपया निवेश कर रहा है, जबकि रेचल को कितना, देखिए 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, 10% की दर से 3 वर्ष का, 3 ईयर का, सीआई का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कितना होता है, 33.1%, कितना होता है, 33.1%, ये कितना का, रेचल कितना, 100 रुपया लगाता है, 100 रुपया का 33.1% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 100 रुपया लगाता है उसका कितना, 33.1% निकालेंगे, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना पैसा प्राप्त हो रहा है रेचल को, रेचल को 33.1 रुपया, जबकि पीटर को 40 रुपया, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 33 और 40 का डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा 6.9। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वह जो डिफरेंस पैसा का प्राप्त हो रहा है वह डिफरेंस कितना के बराबर है, 897 रुपये का, यानी 6.9 का वैल्यू दिया गया कितना, 897। यहाँ से आप एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कट जाएगा आपको कितना, देखिए एक यूनिट का वैल्यू कितना, 897 डिवाइड बाय 69, यहाँ से पॉइंट हटेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपको कितना मरते, 13 मरते, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 130। हमसे पूछ क्या रहा है, तो रेचल ने कितना राशि निवेश किया था, तो देखो रेचल कितना हमने माना था, 100 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू इतना है तो 100 यूनिट का वैल्यू आसानी से निकाल देंगे, 13000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज याद रखना था, क्या 10% की दर से 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, सीआई होता है 33.1%, कितना होता है, 33.1%, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, लिख रहा है क्या, एक दुकानदार ने अपने ग्राहक को 10% छूट देता है
और फिर भी वह 30% का लाभ कमाता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका क्रय मूल्य 450 रुपया है। मान लीजिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 450 रुपया तो दिया ही रुपया है, उस पर वह क्या करता है 30% का प्रॉफिट कमाता है, यानी 450 पे 130/100। यह 130/100 कब होता है, जब अंकित मूल्य पे क्या करता है 10% का छूट दे देता है। मान लीजिए अंकित मूल्य ए है, इस पे 10% छूट दे रहा है, बेच कितना मेरा है 90% में। यहाँ से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 9 से काटिए 9 5 45, 5 मरते यानी 50, 13 5 65 यानी 650, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 650 रुपया। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है कितना 3888 और 3969 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। एचसीएफ निकालने का एक बेसिक मेथड यह होता है कि इस बड़े वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग देते जाइए। हमने क्या किया, देखिए 3888 को 3969 का डिफरेंस निकाल दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा 81। आप चेक कीजिए इस डिफरेंस से दोनों संख्या आसानी से कट रहा है, तो यही इसका क्या होगा एचसीएफ हो जाएगा, दोनों संख्या आसानी से कट जाएगा, यानी करेक्ट एचसीएफ कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, लिख क्या रहा है, देखिए एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 484 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कोई संख्या है उसमें पहले क्या किया 28% का कमी कर दिया, 28% कमी करने का मतलब क्या होता है, 28% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा ये कितना होता है 28% का फ्रैक्शन वैल्यू 28/100 लिख सकते हैं आसानी से, ये कट जाएगा कितना, ये इसको काट देते हैं 14 × 28 और 5 × 10, ये देखिए 7 × 14 = 25, यानी 7/25 होता है कितना 28% का फ्रैक्शन वैल्यू। अब यह काम कितना बार करना है तो देखिएगा, अब देखिएगा कि यहाँ दो बार, एक बार पहले कमी कर रहा है कितना 28% का, फिर 28% का वृद्धि, यानी इस जो नीचे वाली संख्या इसका स्क्वायर कर दीजिए। हमने मान लिया लेट कोई संख्या कितना है 25 का स्क्वायर कितना हो जाए 625, यानी नीचे मैंने कोई संख्या को कितना माना 625। अब क्या कर रहा है, एक संख्या में पहले 28% का कमी किया जाता है, संख्या मैंने माना 625, इसमें उसने क्या किया 28% का कमी, 28% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/25, 25 में 7 का अगर हम कमी कर देंगे तो ये कितना में बेचेंगे 18 में, यानी 18/25 लिख सकते हैं आसानी से, 18/25 मल्टीप्लाई, अब देखिए फिर उसमें 28% का वृद्धि, पहले 25 था तो अब 7 का वृद्धि यानी कितना हो गया, यानी 32 हो गया, यानी 32/ कितना आ जाएगा 25, ये दोनों स्क्वायर आ जाएगा कट जाएगा, यानी 18 में 32 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 18 × 36 के 6 हासिल 3 5 6 8 54 55 57 576, यानी हमने माना संख्या 625, अब वह बदल के कितना हो गया 576, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, कौन संख्या का 625 मैंने संख्या माना था और रिजल्ट कितना आ रहा है 576, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालिएगा तो ये डिफरेंस आ जाएगा 49। क्वेश्चन में कह रहा है मूल इस प्रकार संख्या मूल संख्या के 784 कम है, यानी 49 यूनिट का वैल्यू दिया गया 784, यहाँ से हम एक यूनिट का वैल्यू निकाल सकते, ये इससे ये कट जाएगा 16 मरते, यानी एक यूनिट का वैल्यू 16 है, तो मूल संख्या कितना मैंने 625, यानी 625 को 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना 1000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन डी। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है 700 का 35% का एकल छूट और समान राशि पर 18% और 12% के दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए 700 का पहले हम 35% छूट, इसको हम अलग रहने देते हैं, ठीक है, अब इन दोनों का अलग एक साथ सक्सेसिव निकाल दीजिए, 18 + 12 माइनस क्या होगा 18 × 12/100, 18 + 12 - 18 × 12/100, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इसका सक्सेसिव निकाल देंगे, जब ये सक्सेसिव निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 18 और 12 हो जाएगा आपको कितना 8 × 2 = 10, 1 = 30 माइनस ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 216, यानी 2.16, यानी 30 में से 2.16 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 27.84। पहले कितना 35% का दे रहा था छूट,
अब कितना दे रहा है 27 पॉइंट, पहले 35% का, अब दे रहा है 27.84 का, यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेगा 35% और 27.84 का, देखिए 27.84 आ रहा है यहाँ से, देखिए इसका डिफरेंस निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7.16, 7.16। अब हमसे पूछ क्या रहा है तो दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर टोटल संख्या कितना था 700, 700 का हमको कितना निकालना है 7.16% निकाल दीजिए, बस 00 से 00 कैंसिल, 7 6 42 के 2 हासिल, 4 7 4 11, 7 4 11 के 1 हासिल, 7 7 49 1 50, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5012, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 12% और 15% के दो क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा, अभी जस्ट एकल छूट निकाले थे वह इस फॉर्मूला पे निकाल देते, किसमें a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, सेम वही काम यहाँ करना, यानी 12 प्लस कितना आ जाएगा 15, माइनस क्या करना है 12 × 15/100, बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए, 12 और 15 हो जाएगा 27, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 यानी 1.8, 27 में से 1.8 को घटाइएगा तो ये आ जाएगा कितना 25.2, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है ए और बी ने 12,000 और 18,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश किया, 5 महीने के बाद ए ने अपने निवेश वापस ले लिया, यानी ए कितना दिन तक पैसा लगाया था 5 महीने तक, यदि वर्ष के अंत में कुल इतना रुपया लाभ हो तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, देखिए एक तरफ ए है और एक तरफ बी है, ठीक, ए कितना लगाता है 12,000 रुपया लगाता है और बी कितना लगाता है 18,000, ठीक है, ए कितना दिन तक लगाता है, ए 5 महीने तक लगाता है और बी कितना दिन तक लगाएगा 1 साल, यानी क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी बी कितना दिन तक लगा रहे 1 साल के, यानी 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो आसानी से कट गया, ये 12 से ये 12 आसानी से कट गया, यानी ए रेशियो बी कितना आ गया 5:18, 5:18, यानी इनका लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन कितना में होगा 5:18, यानी 5 और 18 कितना हो गया 23, 5 18 23 हो गया, 23 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 46,000, यानी 46000, इससे काट जाएगा तो ये 2 मरते कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2,000। हमसे पूछ रहा है ए का लाभ कितना होगा, ए का यूनिट कितना है 5 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 है, यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू आसानी से निकाल दें, 5 × 10 = 10,000, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है यदि 7 पेन का लागत मूल्य 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लिख क्वेश्चन में कहा है 7 पेन का लागत मूल्य यानी 7 पेन का क्या दिया गया कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर क्या दिया गया है 10 पेन का सेलिंग प्राइस एसपी दिया गया है, 10 पेन का एसपी दिया गया है, यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, इसको विक्रय मूल्य लिख दिए हिंदी में विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य आसानी से लिख सकते हैं कितना 10/7, यानी 10 रुपया का मैंने कोई सामान खरीदा और उसको बेच कितना में दिया 7 रुपया में, यानी कितना का घटा पड़ रहा है 3 रुपया का, 3 रुपया का लॉस किस पे हो रहा है 10 पे हो रहा है, गुने 100, यानी टोटल कितना हो गया 30% का क्या होगा नुकसान होगा, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा 30% का नुकसान, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के एक समूह का औसत भार 30 किलोग्राम है, यदि समूह में 40 किलोग्राम भार वाले 2 बच्चे को जोड़ा जाता है तो नया औसत 32 किलोग्राम हो जाता है, मूल समूह का कुल भार ज्ञात कीजिए, देखिए मान लीजिए शुरू में कोई समूह है उसमें बच्चों के एक समूह का औसत भार 30 किलोग्राम है, यानी टोटल बच्चा मैंने मान लिया n है, शुरू में मैंने क्या किया टोटल बच्चे की संख्या कितना n है, यानी उसका एवरेज दिया गया 30, यानी टोटल वेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, टोटल वेट कितना हो जाएगा टोटल वेट आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन उसमें एवरेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल वेट कितना हो जाएगा इन मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब क्या करें, यदि समूह में 40 किलोग्राम भार वाले 2 बच्चे को जोड़ लिया जाए, अब बच्चे की संख्या पहले इन था, अब बच्चे की संख्या नया बच्चा कितना हो जाएगा इन प्लस 2, ठीक है, तो नया औसत 32 किलोग्राम हो जाता है,
यानी जब नया औसत कितना हो जाता है 32 किलोग्राम, यानी व्यक्ति की संख्या कितना है n+2, बच्चों की संख्या, तो नया औसत 32 किलोग्राम, यानी टोटल वेट कितना हो जाएगा n+2 × 32, ये आ जाएगा टोटल वेट, टोटल वेट, लेकिन इसके हिसाब से टोटल वेट। लेकिन अब क्या करें, यदि समूह में 40 किलोग्राम भार वाले दो बच्चे को जोड़ा गया, यानी एक व्यक्ति का भार कितना है 40 किलोग्राम, यानी दो व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम। पहले वेट, ये टोटल वेट इधर से आ गया। अगर पहला इक्वेशन लेंगे n+30, यानी टोटल वेट कितना था 30n। अब क्या किया, इसमें दो व्यक्ति को जोड़ा गया, उसका भार कितना है 40 40 किलोग्राम, यानी टोटल वेट कितना हो जाएगा 80 किलोग्राम। इसको ऐड कर दिए, दोनों वेट बराबर हो गया। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, यानी 32n+ कितना हो जाएगा 2 × 4 3 × 6 64, बराबर कितना हो जाएगा 30n+80, 30n+80 यहाँ से घटाएगा तो 30 में 2n, बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा माइनस में, यानी ये आ जाएगा कितना 6 और 1 = 16, यहाँ 2 से काट दीजिए 8 मरते, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 8, यानी एन शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितना था, शुरू में बच्चा 8 था। अब क्या करा है, तो मूल समूह का कुल भार ज्ञात कीजिए, मूल समूह यानी शुरू में बच्चे 8 था, उसका टोटल वेट कितना है n × 30, यानी एन का वैल्यू 8 आ गया, उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 × 3 = 24, यानी 240, यानी टोटल वेट कितना हो गया 240 किलोग्राम, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। दीपक ने 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल एक स्थान पर रख जाता है साइकिल से, और कम गति से वापस आता है। यदि कुल यात्रा का औसत गति 6.4 है, तो वापसी का गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ जाना है, अगर यहाँ से जाने का स्पीड अगर ए है, एक बिंदु तक ए स्पीड से जाता है, और वापस वापस बी स्पीड से आता है, यहाँ पॉइंट वन पी वन पॉइंट है, पी टू, यानी डिस्टेंस सेम है, एक ही बिंदु पे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से वापस आता है कितना बी स्पीड से, इसका एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टू, अगर टू ए बी बटा क्या होता है ए प्लस बी, या लोग इसको इस तरह से ए बी न मान के इसको क्या करते हैं एक्स मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं वाई मान लेते हैं, तो लोग याद करते हैं 2xy / y कितना x + y, सेम चीज है, यानी एवरेज स्पीड हमने क्या होता है, एक ही बिंदु पे जाने और वापस आने का एवरेज स्पीड होता है 2xy / x + y। दीपक क्या करता है, एक साइकिल से 18 गति से साइकिल पर एक स्थान जाता है और वहां से वापस आ जाता है, ठीक है, यानी डिस्टेंस सेम है, एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल देंगे, यानी 2, जाने वाले के स्पीड कितना 18, वापस x स्पीड से आ जाएगा, ठीक है, जब जाता है कितना 18 से प्लस वापस कितना से आता है x स्पीड से, टोटल एवरेज स्पीड कितना दिया गया 6.4, यहाँ से हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, तो देखिए यहाँ से काट दीजिए, 2 से काट दीजिएगा, ये कट जाएगा कितना 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 32, 8 से काट दीजिएगा, ये कट जाएगा कितना 9 × 2 = 18, 16 × 2 = 32, 9 × 2 = 1.6। अब देखिए 3 से निकटे, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9x बराबर कितना आ जाएगा 1.6 × 18 प्लस कितना आ जाएगा 1.6x, 1.6x आ रहा है, ये प्लस में तो इधर आ जाएगा, माइनस में तो ये आ जाएगा कितना 9x में से 1.6x घटेगा, देखिए 9x माइनस 1.6x बराबर कितना दिया गया 1.6 × 18, आसानी से लिख सकते हैं, 10 में से 6 गया 4, 4 ये हो गया 8, 8 में से 1 गया 7, यानी 7.4x बराबर कितना 1.6 × 18, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा आसानी से। अब इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 3 × 6 + 7 × 14 = 37, 7 × 14 = 14, 3 × 6 = 8, 8 × 16, ठीक है। अब देखिए 37 ये आप काटिएगा तो ये कितना से कट जाएगा आसानी से, ये कट जाएगा कितना x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 × 8 / 37, 18 × 8 / 37, 8 × 8 = 64 की 4, हासिल 6 × 8 = 6 × 8 = 10 = 14, 144 को 37 से डिवाइड कीजिएगा, 144 को जब 37 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको डिवाइड होकर कितना आ जाएगा 3.89, कितना आ जाएगा 3.89, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है, देखिए
इस क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो ये जो चीज है 0.75, यहाँ भी 0.75 है, यहाँ 0.1 है, तो यहाँ भी 0.1 है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। यानी अगर इसको हमने ए माना और इसको बी माने तो क्या होगा, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए नीचे लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप देखिए ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, नीचे से ऊपर आसानी से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना ए माइनस बी, ए माइनस बी कहने का मतलब ए के जगह कितना है 0.75, अब माइनस बी के जगह कितना है 0.1, जब इसको घटाइएगा ये घट के कितना आ जाएगा 6.65, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन ए, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है पी माइनस वन बाई पी बराबर रूट फाइव, क्या दिया गया, पी माइनस वन बाई पी बराबर रूट फाइव, तो रूट पी इंटू रूट पी माइनस वन का वैल्यू क्या कीजिए। ये क्वेश्चन जब भी इस तरह का है तो ये एक कंट्राडिक्टेड प्रश्न, यानी इसको द्विघात समीकरण के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको जब सॉल्व कीजिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा रूट फाइव पी, यहाँ से हमने क्या किया पी से एलसीएम लिया तो पी का स्क्वायर हो गया माइनस वन बराबर कितना होगा रूट फाइव पी, यहाँ लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए इस बात को यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस रूट फाइव पी माइनस वन बराबर जीरो। आप द्विघात समीकरण का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अगर कोई द्विघात समीकरण इस तरह हो, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, इसका द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, देखिए द्विघात समीकरण अगर इस तरह से लिखा हो, कैसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, यहाँ से एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटा टू ए बटा टू ए, ठीक है। ये होता है द्विघात समीकरण का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, और इसी के सहारे यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं माइनस बी, माइनस बी के जगह पे देखिए बी के जगह पे हमेशा साइन क्या होता है प्लस में, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस साइन है, तो यहाँ क्या लिखे माइनस रूट फाइव, ठीक है माइनस रूट फाइव प्लस माइनस आ जाएगा, रूट अंडर क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, देखिए बी के जगह हमने क्या लिखा माइनस रूट फाइव का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए के जगह पे कितना है वन, और सी के जगह पे देखिए यहाँ पे प्लस होता है या माइनस वन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई माइनस वन, कोई दिक्कत नहीं है, बटा टू टू ए के जगह पे कितना है वन, बस इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए क्या क्या लिखा सकता है, यहाँ क्या आ जाएगा रूट फाइव प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए पाँच का स्क्वायर कितना आ जाएगा पाँच माइनस, और ये माइनस आके प्लस हो जाएगा प्लस फोर डिवाइड बाई कितना आ जाएगा टू, यानी ऊपर रिजल्ट कितना आ जाएगा रूट फाइव प्लस माइनस कितना आ जाएगा पाँच चार नौ, यानी रूट नाइन, देखिए पाँच चार नौ की नौ हो जाएगा, नौ रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस थ्री बटा टू, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया रूट फाइव प्लस माइनस थ्री बाई टू। तो हम भी हमको जब भी ज़्यादातर वैल्यू क्या लेते हैं प्लस में लेंगे, 90% वैल्यू हम लोग क्या करते हैं प्लस में लेते हैं, और पी का मान लिए लेट हमने पी का वैल्यू कितना मान लेते हैं, पी बराबर कितना आ जाएगा रूट फाइव प्लस थ्री बाई टू, रूट फाइव प्लस थ्री बाई टू। अब क्या करा है हमको पी का वैल्यू आ गया, यहाँ से हमको रूट पी का वैल्यू निकालना है, तो रूट पी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर रूट फाइव प्लस थ्री बटा टू लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं दो से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा सिक्स प्लस टू रूट फाइव, टू रूट फाइव, नीचे कितना आ जाएगा, देखिए दो दूना चार, चार जब रूट से बाहर निकलेगा तो टू आ जाएगा, ऊपर देखिए सिक्स प्लस टू रूट फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिक्स प्लस टू रूट फाइव को आप लोग लिख सकते हैं कितना रूट फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर, रूट फाइव प्लस वन का होल स्क्वायर, जब इसको कीजिएगा तो ये कितना के बराबर आ जाएगा सिक्स प्लस रूट फाइव, और स्क्वायर करते स्क्वायर रहता ये और इस पे रूट चढ़ा हुआ रहता है, डिवाइड बाय कितना, ये पावर से ये रूट कैंसिल हो गया, यानी इसका पी का
रूट पी का वैल्यू कितना आ गया, रूट फाइव प्लस वन, कितना, रूट फाइव प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब जो यहाँ क्वेश्चन में कर रहा है, अब क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करेंगे, पुट अप वैल्यू करना पड़ेगा। देखिए पुट अप वैल्यू में हमने क्या किया, देखिए रूट पी यहाँ से, देखिए ये रूट पी के जगह पे हमने क्या लिखा, रूट फाइव प्लस वन डिवाइड बाई कितना टू, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, रूट फाइव प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, रूट फाइव प्लस वन डिवाइड बाई रूट टू, मल्टीप्लाई देखिए टू आ जाएगा माइनस में, यानी रूट फाइव माइनस वन बाई टू माइनस वन, यहाँ रूट कहाँ से आ गया, ये माइनस वन बाई क्या आ जाएगा, टू माइनस वन बाई टू। जब इसको मल्टीप्लाई की जाए तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर की जगह तो रूट फाइव का स्क्वायर कितना हो जाएगा फाइव, और बी यानी वन का स्क्वायर वन डिवाइड बाई टू, यानी चार में से एक एक, देखिए पांच में से एक जाएगा तो चार, चार को इसको दो से काटिएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा दो, यानी पी का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ये दो और ये दो मल्टीप्लाई होकर नीचे कितना आ जाएगा फोर, फोर यानी ऊपर कितना आ रहा है चार, पांच में से एक जाएगा तो चार, चार डिवाइड बाई फोर यानी रिजल्ट वन आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन ए। थोड़ा सा यह क्वेश्चन बड़ा है, इसको स्किप करके सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया गया ए और बी के आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 5:7 था, अब से 8 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए यह रेशियो किस तरह से चेंज हो रहा है इसके बारे में समझने का कोशिश की, क्या कर रहा है, 8 वर्ष पहले 2:3 था, ठीक है 2:3 था पहले 8 वर्ष पहले, ठीक है प्रेजेंट से, 4 वर्ष बाद यहां से हम कितना गए, 4 वर्ष नीचे गए, यह रेशियो कितना में बदल गया, 5:7। अब देखिए रेशियो सेम होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, और नीचे देखिए 5 और 7 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6, 7, 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस सेम नहीं है। तो डिफरेंस सेम करेंगे, डिफरेंस सेम करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ऊपर कितना रेशियो चेंज होके कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, 4:6, यह रेशियो कितना है, 5:7 में बदल रहा है, कब, ये यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा, 4 वर्ष, यानी डिफरेंस कितना, एक यूनिट का वैल्यू 4 है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, और 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, ये कब था, 8 वर्ष पहले। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से ये कितना था, 16 और 24 कब था, 16 और 24 कब था, 8 वर्ष पहले था, 16:24 ये 8 वर्ष पहले था, प्रेजेंट में आने के लिए 8 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना परसेंटेज, ये आ जाएगा कितना परसेंटेज। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 8 वर्ष के बाद, अब से 8 वर्ष के बाद, यानी और आगे जाना पड़ेगा, यानी प्लस 8 दोनों में और ऐड कर देना होगा, ये कितना 8 दूना 16, 16 दूना 32 यानी 32, रेशियो 8 दूना 16 यानी 32 में 24 में 16 ऐड कीजिएगा तो 6 4 10, 2 1 3 1 4 यानी 40, यानी 32:40, इसको काटिएगा तो 8 से कट जाएगा, 8 5 40, 8 6 32 यानी 4:5 इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ए बी सी और डी के बीच 6,342 रुपये की राशि 3:4:8:6 के अनुपात में वितरित किया जाता है, बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए डिवाइड किसके बीच में बांट रहे, ए बी सी और डी के बीच में, यह रेशियो कितना 3:4:8:6, देखिए 6 4 10 8 18 2 20 21 का वैल्यू कितना दिया गया, 6,342, 21 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, 6,342। जब इसको 21 से ये काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, 3 मरते लगाएंगे, 3 मरते आसानी से कट जाएगा 0, और 2 मरते यानी 302 मरते आसानी से कट जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 302। हमसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो बी और डी के हिस्से के बीच का अंतर, बी का 4 यूनिट है, डी का 6 यूनिट, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा तो 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 302 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 604, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए केशव दुर्जीत और श्याम
थॉमस ने 2:3:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। उनके निवेश की अवधि का अनुपात 5:6:9 था। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रख रखाव पे खर्च हुआ, ठीक है। शेष लाभ आपस में बांटा गया। यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर इतना था तो कुल लाभ क्या कीजिए। देखिए सबसे पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस अनुपात में हुआ ये देख लेते। केशव है, केशव, सुरजीत और कितना थॉमस, ठीक है, तीन व्यक्ति लगाता है। ये केशव 2 रुपया लगाता है, कितना दिन के लिए, 5 महीना के लिए, यानी 5 × 2 = 10, ठीक। लाभ देखिए, लाभ का रेशियो कैसे होता है, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, ये क्या होता है लाभ का रेशियो, पूंजी गुने समय। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुने समय। तो देखिए केशव 2 रुपया का निवेश करता है, कितना, 5 महीना के लिए, यानी 5 × 2 = 10। सुरजीत का बात कीजिएगा तो 3 रुपया निवेश करता है 6 महीने के लिए, यानी 36 18 यूनिट। अब देखिए थॉमस का बात कीजिएगा, 4 9 यानी 9 × 36, यानी आसानी से इसको सिंपल रेशियो में बदल दिया जाए, 5:9:18, 5:9:18, ठीक है। अब क्या करा, यदि लाभ का 20% कार्यालय की किराए के रख रखाव पे खर्च होता, ठीक है, 20% अलग से ही बात रख दिया। और यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से में अंतर है, केशव और सुरजीत का बात किया जाए तो 5 और 9 का अंतर कितना आ जाएगा, 4 यूनिट का अंतर कितना दिया गया, 7264, 4 यूनिट का वैल्यू 7264। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 32 18 16 16 18 16, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। यानी अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी टोटल कितना है, देख लीजिए टोटल यूनिट का बात कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना, 9 × 10 = 14 14 और 8 कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 10 = 14 14 में 18 जोड़िएगा, 14 × 18 = 12, 1 × 2 = 3, यानी टोटल 32 यूनिट। यानी टोटल लाभ कितना हुआ, 32 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 32 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 × 16 × 32, ये आ गया 32 यूनिट। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग क्या कर रहा है, इसमें लिख रहा है क्या, 20% कार्यालय की किराया और रख रखाव पे खर्च हुआ, यानी ये जो प्राप्त हुआ यह किसका वैल्यू आया, 80% का, ये 20% तो अलग है, ये जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है ये कितना, 80% का वैल्यू आ रहा है, यानी 80% बराबर हम लोग लिख सकते कितना, 1816 × 32। यहाँ से हम 100% निकाल लेंगे, 8 से काट गया 8 × 32 = 4 यहाँ से अगर 100% यानी 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100% आ जाएगा, 100% का वैल्यू कितना, 18 से 1816 में 4 से 6 4 के 24 के 4 हासिल 2 4 2 6 8 6 32 के 2 हासिल 3 4 3 7, यानी 7264 और 10 और बैठा दीजिए, यानी ये उसका क्या होगा, टोटल लाभ हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो गया। नेक्स्ट, अमर और कोमल के आयु का अनुपात 5:4 है, और देखिए आयु नहीं, आयु, और उनके आयु की जगह पे यहाँ क्या होना, आय का अनुपात होना चाहिए, क्या है, आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात 2:1 है, उनमें से प्रत्येक 6,000 रुपये की बचत है तो अमर की आय क्या कीजिए। हमको क्या पता है, देखिए इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, सेविंग, यानी कोई व्यक्ति कितना कमाता है, एक अमर है और एक तरफ क्या कोमल, अमर की इनकम कितना है 5 रुपया और वह एक्सपेंडिचर खर्च कितना कर देता है 2, तो सेव कितना करेगा, 5 में से 2 घटाएगा तो 3 रुपया का, और कोमल का बात कीजिएगा तो वह 4 रुपया उसका इनकम है और 1 रुपया एक्सपेंडिचर कर रहा है तो सेविंग कितना कर रहता है 3 रुपया का। क्वेश्चन में दिया गया 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया, यह जो सेविंग 3 यूनिट है उसका वैल्यू कितना, प्रत्येक प्रतिमाह इतना रुपया बचाता है, तो देखिए सबका सेविंग सेम है, इसका 3 आ रहा है, इसका भी 3 आ रहा है, सेविंग सेम है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 6,000, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 2,000, 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो अमर की आय ज्ञात कीजिए, तो अमर की इनकम कितना है 5 यूनिट, 1 यूनिट का 2,000 है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा 5 × 10, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए लिख रहा है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है,
यानी पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा? एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच गो नौ। इसको क्या करना है, 468 से डिवाइड कर दीजिए, 468 से डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहले हम कितना मरते, दो मरते लगाएंगे, दो मरते लगाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, 936, 936 जब डिवाइड कीजिएगा तो 6 3 9 3, यह आ जाएगा कितना, 6 3 9 6, कैंसिल आ जाएगा 9। अब कितना से लगाएंगे, अब लगा देते हैं आप कितना, एक मरते लगाइएगा, एक मरते लगाएंगे तो ये आ जाएगा 468, 468 और डिफरेंस 1 आ जाएगा, 6 2 9 12 यानी 7 यानी 70, या 5 में से 4 गया 171, यहाँ से 9 उतर गया। अब कितना मरते लगाएंगे, अब हम क्या करते हैं, तीन मरते लगा देते, कितना मरते, तीन मरते यानी 4 6 12, यह आ जाएगा कितना, 32, 32 यानी 32, या आपको डिफरेंस आ जाएगा कितना देख लीजिए, तीन मरते लगाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1404, कितना, 1404, यानी इसका आप डिफरेंस निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 315। यानी सबसे बड़ी संख्या में से 315 को अगर हम घटा देंगे तो वो रिजल्ट आ जाएगा, यानी 999 में से 315 को घटाइएगा तो ये घट के कितना आ जाएगा, देखिए 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 9 में से 3 जाएगा 6, यानी 99684, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, लिख रहा है एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, ये परंतु उसने 8 अंकों से 20 अंक कम प्राप्त किए, उसने क्या किया, 65% अंक प्राप्त किया था, अगर 20 अंक और लाता तो वह क्या होता, अर्थ हो जाता, यानी मान लीजिए या पास हो जाता। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, 80% अंक प्राप्त किए और ये अंक अर्थ अंकों से 5% अधिक है, यानी अर्थ अंक कितना हो जाएगा, अर्थ अंक की संख्या कितना हो जाएगा, देखिए 80% जो प्राप्त किया वह उससे 5% अधिक है, यानी इसमें से अगर 5% घटा देंगे तो बचेगा कितना, 75%, यानी अर्थ परसेंट कितना हो जाएगा, 75%, दोनों आपस में बराबर हो गया, यानी 20 बराबर कितना हो जाएगा, 10%, यानी यहाँ से आप 100% निकाल दीजिएगा, यानी 200, यानी 10 से इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 100 आ जाएगा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 200, यानी परीक्षा का पूर्णांक कितना था, 200, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, लिख रहा है यदि एक्स रूट 12 प्लस 4 प्लस एक्स रूट 3 में एक्स का वैल्यू क्या कीजिए, देखिए यहाँ एक्स रूट 13 दिया गया, यहाँ एक्स रूट 12 दिया गया, इसको रूट 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 × 3 = 12 लिख सकते हैं, 12 को रूट 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी 2x√3 लिख सकते हैं आसानी से, प्लस कितना दिया गया, बराबर कितना दिया गया, 4 + x√3, 4 + x√3 दिया गया, क्लियर है। यानी इस बार रूट 12 को हम लोग क्या लिखे, देखिए रूट 12 को आप लोग आसानी से लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 बाहर निकलेगा, 2√3 आ जाएगा, यानी 12 को मैंने क्या लिखा, 2√3, यानी इसको अब एक्स वाला के एक तरफ लेंगे तो ये आ जाएगा इधर 2x में से एगो एक्स घट जाएगा तो बचेगा कितना, x√3 बराबर 4, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4/√3, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, कोई भिन्न का, भिन्न क्या होता है, अंश वटा हर होता है, ऊपर में लिखते हैं अंश और नीचे लिखते हैं क्या, हर, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यानी अंश से 2 अधिक है क्या, +2 है क्या हर, ठीक है। यदि अंश को 3 से गुना किया जाता है, यदि अंश को क्या करना है, 3 से गुना किया जाता है और हर को 2 से गुना किया जाता है, और हर को क्या करते हैं, हर को 2 से गुना किया जाता है तो वह भिन्न 1/2 बन जाता है, यानी वह भिन्न कितना बन जाता है, 1/2। या तो आप इस क्वेश्चन को या ऐसे भी सॉल्व करते हैं, इसी कंडीशन को फॉलो कीजिए, यानी अंश बटा हर लिख सकते हैं, ठीक, बराबर क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा, ये देखिए ये 1/2 तो है ही, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 नीचे आए, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/3, यानी अंश बटा हर कितना आ जाएगा, 1/3, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी
इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। आपको इस क्वेश्चन में कोई ऑप्शन के सहारे नहीं, केवल एक ही कंडीशन, इसको फॉलो करने से ही यह प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। यदि p बराबर इतना q बराबर इतना है तो p बटा q का वैल्यू क्या कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, p बाई q का वैल्यू क्या करना है। p के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2+√3, और q के जगह पे कितना लिख सकते हैं, 2-√3 p बाई q। ठीक है, अब देखिए नीचे से नीचे वाले के कंजुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2+√3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 2+√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 2+√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2² माइनस कितना आ जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। जब ऊपर सॉल्व कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2×4 √3 प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 बराबर कितना आ जाएगा, 2² 4-3, ऊपर कितना 4×3 7 प्लस कितना आ जाएगा, 4√3/1। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है, नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक याद कीजिए, यानी दोनों संख्या क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, और उनके वर्गों का अंतर कितना होना चाहिए, 56 होना चाहिए। आप आसानी से मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना होगा, x प्लस टू, विषम संख्या का डिफरेंस कितना होता है, 2। अब क्या करा, उनके वर्गों का अंतर, यानी x+2 ये वाला संख्या बड़ा होगा, इसका अंतर माइनस ये छोटा छोटा संख्या x² बराबर कितना आ जाएगा, 56। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2×4 4x प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, x² बराबर कितना दिया गया, 56। x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा, यानी 4x बराबर कितना, 4 प्लस में तो इधर माइनस में चला जाएगा, यानी 52। यानी एक 4 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना, x बराबर कितना हो जाएगा, 4×12 13 यानी x का वैल्यू आ गया 13, x का वैल्यू 13 आ गया, और x प्लस 2 कितना हो जाएगा, 15। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSE बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।